तो स्वागत है सबका फिर से एक बार YouTube चैनल अनिमेश पॉल म्यूजिक पे। मैं हूँ अभी नाजिरा में, यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिनेमा हॉल देखने के लिए द कश्मीर फाइल्स। और रोड क्रॉस करते हुए ब्लॉग बनाना, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और मेरे साथ है यहाँ पे दीदी, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटमेंट कैसा है? बहुत 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 ज़्यादा। तो असम में तो गॉड टेम्पल्स को हाफ डे लीव भी मिल रहा है इस मूवी को देखने के लिए। उस वजह से हम लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मतलब इस मूवी में क्या ऐसा है कि हाफ डे लीव भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सिनेमा हॉल आके पहुँच गए हैं। नाजिरा क्या सिनेमा हॉल गुलशोभी, नाजिरा का सिनेमा हॉल गुलशोभी। और तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो अभी हम लोग जस्ट कश्मीर फाइल्स देख के निकले हैं। और अभी दीदी का हालत देखिए, दीदी बोल रही कि कुछ नहीं बोली, मतलब ना क्या बोलूँ, मतलब सारा सन ऐसे जनरली मतलब सिनेमा हॉल में बहुत हल्ला चिल्ला होता रहता है, लेकिन आज जो हालत है मतलब पूरा शांत हो गया है। जो पिन ड्रॉप साइलेंट बोला जाता है वैसा मतलब फील था। और बाकी जो बोलना होगा मैं बाद में घर जाके ऐड कर दूँगा। मतलब रुकिए, ये 5 मिनट टाइम ले लेता हूँ, फिर बोलता हूँ इस मूवी के बारे में। तो अभी मैं घर आके पहुँच गया हूँ। तो चलिए पहले इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। द कश्मीर फाइल इज़ ए 2022 इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिक्शनल ड्रामा फिल्म, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री, प्रोड्यूस्ड बाय जी स्टूडियोज। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स ड्यूरिंग द कश्मीर इंसर्जेंसी। इट स्टार्स अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी एंड मिथुन चक्रवर्ती। और बाकी सब कुछ तो मुझे फिल्म देख के पता चल ही गया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लिया। और बाकी बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में। ये फिल्म स्टोरी बेसिकली 1990 के समय का है, जहाँ पे दो स्टेज दिखाया जाता है, एक में 1990 और दूसरा 2016। तो दो स्टेजेस में दो मतलब यूथ्स का के मेंटेलिटी को भी दर्शाया गया है। उसके साथ साथ उस हालात में लोग कैसे जी रहे थे, कश्मीर के लोग, और इंडिया में भी क्या चल रहा था, सबका सोच विचार कैसा था, और सरकार के साथ कैसे मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था, कितना वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, ये सब कुछ दिखाया गया है। बाकी हम लोग मतलब मैं और दीदी आप लोगों को बहुत रिकमेंड करूँगा इस मूवी को देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बुक माई शो पे टिकट बुक किया था नाजिरा के हॉल में, तभी लिखा हुआ आया था कि 18 प्लस के लिए ये फिल्म है, क्योंकि इसमें इतने सारे डरावना दृश्य दिखाए गए हैं। और मतलब जैसे हॉलीवुड फिल्म्स में डायरेक्टली शूट करने के टाइम में डायरेक्टली दिखाया जाता है, छोटे से छोटे डिटेल्स भी यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। और जो मतलब इतने दर्दनाक दृश्य है वहाँ से, और आवाज़ भी बहुत HD क्वालिटी का है, तो उस वजह से मतलब बच्चों को डर लग सकता है, और बाकी बहुत सारे ऐसे वजह है। तो अगर आप लोगों के पास ये फिल्म है, घर पे भी है आप लोग, तो बच्चों के सामने ये प्ले करना थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी यहाँ पे खराब कुछ नहीं है, जस्ट वैसे मूवमेंट्स कुछ दृश्य है जो हैरान कर सकते हैं। और दीदी तो बीच में बोल रहा हूँ, दीदी सुन लेगी, बीच में थोड़ा थोड़ा रोई भी थी दीदी तो उस वजह से अगर हार्ट का पेशेंट है कोई, या कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके साथ ये वीडियो मत देखिए, उनको ये वीडियो मतलब ये फिल्म देखने ना दे। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसको मूवी नहीं मानते, इसको एक मतलब रियलिटी मानते हैं, और इसमें कोई ऐसा हीरो नहीं है, कोई विलन, मतलब ये एक नेशनल स्टोरी है। मतलब एक इस फिल्म के बाद कोई भी इस फिल्म का डायरेक्टर या एक्टर आप लोगों को फाइनल डिसीजन नहीं देता है कि ये रॉन्ग था तो इसका जीत हो गया, ये राइट था मतलब ये रॉन्ग था इसलिए उसका हार हुआ या जीत हुआ, या सच्चाई हार गया सच्चाई जीत गया। टोटली एक स्टोरी है, जो हुआ रियलिटी है, वही रियलिटी आप लोग को दिखाया जा रहा है। बाकी आप लोग खुद को आप लोगों को डिसीजन लेना है, मतलब कैसा होना चाहिए था, रॉन्ग किसने किस किया, कहाँ पे रॉन्ग हुआ था, तो वही सब बात है। लेकिन 30 साल अभी तक, तो 32 साल हो गया है, 32 साल तक ये सच कैसे छुपा रहा, ये एक बहुत बड़ा बात है। और अभी तो ये सब लोगों के सामने आ ही गए हैं। हॉल में ये मूवी देखने के बाद बहुत लोगों ने बहुत सारे ऐसे इमोशनल होकर बहुत सारे रिएक्शंस दिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी नए ब्लॉग में। और आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा जरूर बताइए। और आज का वीडियो थोड़ा हटके था, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं कभी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।